नवभारत और नवराष्ट्र में आपका स्वागत है। धन्यवाद। हमारे मित्रों के साथ हम कुछ संवाद करना चाहेंगे। आपको तो बहुत बहुत बधाई पहले कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने आपको उत्तर पूर्व जो प्रतिष्ठित लोकसभा सीट है वहां से आपको उम्मीदवार बनाया। जैसा कि आपने अनौपचारिक बातचीत में कहा कि मैंने पार्टी से कोई डिमांड नहीं किया था, अभी मैं MLA हूँ और मैं आगे भी MLA बन के काम करना चाहता था, लेकिन 4.5 साल तक जो एज ए विधायक आपने काम किया मुलुंड विधानसभा क्षेत्र के लिए, आपका लोकसभा टिकट मिलना एक तरह से वो आपका सर्टिफिकेट है। और आप पुराने भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, जनसंघ से जुड़े हुए, यूथ से काम किया और आप राजनीति में बहुत लंबी पारी है। आज हम लोग भी खुशी है कि आज हमारे दफ्तर में आए और नवभारत के कम से कम 3 परिवार आपके वोटर हैं, तो हमारे हमारे नेता भी यहाँ पर, मैं आपका स्वागत करता हूँ। धन्यवाद धन्यवाद। और हम कुछ संवाद शुरू करते हैं। धन्यवाद किरण भाई, उत्तर पूर्व से लोकसभा से आपको चुनाव टिकट मिला भारतीय जनता पार्टी से, इसको किस रूप में आप लेते हैं? मैं इस रूप में लेता हूँ कि मोदी जी और हमारे शीर्ष नेतृत्व ने ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी मुझ पर डाली है, जिसका मैं बहुत ही विनम्रता से स्वीकार करता हूँ। और मोदी जी का एक लड़ाकू सैनिक मैं हूँ और आने वाले दिनों में चुनाव के मैदान में पूरी निष्ठा, ईमानदारी और ताकत से मेहनत करूंगा। भारतीय जनता पार्टी की जो राष्ट्रीय नेतृत्व है वो इस बार 400 पार और महाराष्ट्र नेतृत्व ने 45+ का नारा दिया है। मैं समझता हूँ कि 45 में जो यज्ञ जो संकल्प लिया है वो उत्तर पूर्व मुंबई भी होगा, लेकिन आपके सामने एक बड़ी चुनौती है कि पिछली बार आपके साथ आपके जो 25 साल पुराने दोस्त शिवसेना आपके साथ थी, इस बार आपको अकेले लड़ना पड़ रहा है। एक शिवसेना का एक धड़ा आपके साथ है, NCP के साथ एक धड़ा नया जुड़ा है, लेकिन आपके सामने एक चुनौती है कि आपका 25 साल पुराना दोस्त आपके साथ है, इसको किस रूप में लेते हैं? देखिए, हर चुनौती अपने आप में महत्वपूर्ण होती है। 25 साल के जो रिश्ते थे उनको छोड़ करके मुख्यमंत्री पद की कुर्सी की लालच में उबाटा जी उनके साथ बैठे। हम सभी जानते हैं हिंदू हृदय सम्राट बाड़ा साहब ठाकरे ने पब्लिकली कहा है, इंटरव्यू में भी कहा है कि जिस समय वह वक्त आएगा कि मुझको कांग्रेस के साथ बैठना पड़ेगा, मैं मेरी दुकान बंद कर दूंगा। अपने पिताजी के विचार कहें, इतने बड़े नेता के विचार कहें, हिंदू हृदय सम्राट बाड़ा साहब ठाकरे के विचार से इन्होंने कॉम्प्रोमाइज करके कांग्रेस के साथ हाथ मिला, तो यह सामान्य जनता भी समझती है। और मोदी जी के विकास की गंगा, चाहे ग्रामीण इलाका हो चाहे मुंबई हो, हर घर में पहुंची है। अगर हम मुंबई की बात करें तो जो राशन कोविड काल में मुफ्त दिया जा रहा था वह अभी तक गरीब परिवार में जा रहा है। हम सभी जानते हैं कि मुंबई में KEM हॉस्पिटल हो, नायर हो, JJ हो, सायन हॉस्पिटल हो, राजावाड़ी हो, इन हॉस्पिटलों में कभी भी मरीजों के लिए जगह नहीं होती है, हमेशा फुल होती है। मोदी जी ने जब यह प्लानिंग किया कि भाई आरोग्य में हर गोर गरीब को आरोग्य सेवा शासन की तरफ से मिलनी चाहिए, तो यह भी देखा बारीकाई से कि इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर ओवरनाइट नहीं हो सकता, तो उन्होंने प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना यह लेके आई, जिसके अंतर्गत हर ऐसे लाभार्थी जो उसके लिए पात्र होते हैं, जैसे मैं बता दूं ईशान्य मुंबई में करीबन 190,000 परिवार उन परिवारों के हर सदस्य को 5 लाख रुपए का सुरक्षा कवच, अर्थात उनके विभाग में जो भी एम्पैनल्ड प्राइवेट हॉस्पिटल है, ये आप आयुष्मान कार्ड लेके वहां पे अपना ऑपरेशन हो, सर्जरी हो, किडनी स्टेन हो, स्टोन हो, कोई भी हो, अप टू 5 लाख रुपीज, 1 रुपया आपको देना नहीं है और 5 लाख रुपए तक का इलाज यह मुफ्त होगा उस गरीब का। यह बहुत बड़ी बात है, यानी वह 190,000 परिवार को अब दिलासा है कि मेरे पास भी एक अर्थ में 5 लाख का मेडिक्लेम है। तो मुझको लगता है कि ऐसी हर बात हर आम आदमी तक पहुंची है। अभी मैं ट्रेन में आया आपके दफ्तर में, क्योंकि मुझको
समय की कमतरता थी, तो भाईखला स्टेशन हो, चिंचपोकली स्टेशन हो, कि मुलुंड हो जहाँ से मैंने प्रवास शुरू किया, अब एस्केलेटर्स लग गए हैं, तो यह चेंज तो मोदी जी ही लेके आए। यह पहले भी हो सकते थे, पर ये बहुत ही सामान्य बात है। हम देख रहे थे कि जो बुजुर्ग हैं, जो ज्येष्ठ नागरिक हैं, उनको तो दिक्कत आती है ना रेलवे प्लेटफॉर्म क्रॉस करने में, अब एस्केलेटर होने की वजह से बड़ी आसानी से वह कर पा रहे थे। तो इस प्रकार से हर एक सामान्य नागरिक के जीवन में मोदी जी के विकास की गंगा का इम्पैक्ट है, और इसके लिए मुझको दृढ़ विश्वास है कि यह उबाठा फैक्टर मेरे चुनाव में उतना असर नहीं करेगा, क्योंकि जनता ने मोदी जी के विकास के कार्य को देखा है। कहा जा रहा है कि जो शिवसेना में जिस तरह से टूट हुई उसके बाद एक सिंपैथी की जो लहर है वो उद्धव जी के साथ है, तो आपके सामने जो प्रतिद्वंदी हैं संजय दीना पाटिल, वो कितना आप उनको कितना चुनौतीपूर्ण मानते हैं? देखिए, मेरे लिए हर चुनौती बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह राष्ट्रीय यज्ञ है जिसमें मोदी जी को हमको प्रधानमंत्री बनाना है, 400 पार जाना है, और इसके लिए यह चुनौती का स्वीकार करके हर प्रतिद्वंदी, ये बहुत ही ताकतवर है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ऐसा मान करके ही मैं चुनाव के मैदान में उतरा हूँ। रही बात संजय पाटिल जी की, मेरे पुराने मित्र हैं, और मैं इतना ही कहना चाहूंगा, जिस प्रकार से राजा कर्ण महाभारत में हम जानते थे, वह व्यक्ति तो बहुत अच्छे थे, पर दुर्योधन के साथ खड़े थे, इसके लिए परास्त हुए थे। तो वही हाल संजय पाटिल जी का भी होने वाला है। भाई, एक आपके क्षेत्र की एक बहुत बड़ी समस्या है जो बार बार सूचना उठा रही है कि धारावी जो रिडेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, आप पेशे से बिल्डर भी हैं और जनप्रतिनिधि भी, नेता भी हैं, संगठन से जुड़े हुए हैं, पब्लिक के साथ डायरेक्ट आपका हुआ है, तो धारावी प्रोजेक्ट के जो एक कुछ कई हजार लोगों को विस्थापित करके वो कुलुंड में जो खार लैंड है उस पर ले जाने की बात चल रही है, इसके काफ़ी विरोध हो रहा है। मैंने देखा आपने भी बहुत काफ़ी विरोध किया, लेकिन एक सवाल वही उठ रहा है कि आपकी सरकार केंद्र में है, आपकी सरकार राज्य में है, आपके कॉरपोरेशन में है, आपके सांसद हैं, आपके एमएलए हैं, कॉरपोरेटर हैं, इसके बाद भी वो प्रोजेक्ट वहाँ है, क्या संदेश देना चाहते हैं कि क्योंकि मुलुंड वासियों की बड़ी चिंता है कि 50,000 लोग वहाँ आ जाएंगे तो हमारा जो शांतिप्रिय वातावरण है वो खराब हो जाएगा। देखिए, बहुत प्लानिंग के साथ साजिश करते हैं, बहुत प्लानिंग के साथ। अभी डीआरपी ने हाउसिंग डिपार्टमेंट अंतर्गत महाराष्ट्र राज्य के पास से 11 बड़े लैंड पार्सल मांगे हैं, 11। वह वडाला से लेकर के मुलुंड के बीच में अलग अलग आइडेंटिटी के हमको ये लैंड पार्सल्स लगेंगे, क्योंकि हमको मास ट्रांजिट कैंप्स बनानी है। अब महाराष्ट्र शासन ने कोई मंजूरी नहीं दी है, लेकिन बड़ी चालाकी से शिवसेना को पता है कि भाई मुलुंड में मेरा काम 4.5 वर्षों में अच्छा था, और अगर अब हमको पछाड़ना है तो वह जनता को कन्विंस तो कर ही नहीं पाएंगे। तो अब जनता को या कंफ्यूज किया जाए, और कंफ्यूज करना है तो उनको मिसगाइड करना पड़ेगा। तो 11 लैंड पार्सल्स जो मांगी थी, उसमें से बराबर मुलुंड का उठा करके उन्होंने विषय बनाया। अब मैंने विधानसभा का जो फरवरी का सत्र था, उसमें वर्षा गायकवाड़ जी ने भी बोला कि आपने ये दे दिया, वो दे दिया, ये दे दिया, वो दे दिया, फिर बोला आपने मुलुंड भी दे दी। तो मैंने मेरा विरोध जताया कि 1 स्क्वायर फीट जमीन मुलुंड की अभी तक किसी को भी किसी भी प्रकल्प के लिए दी नहीं गई है, और यह झूठ बात है। अध्यक्ष जी इसको रिकॉर्ड से हटाइए, और अध्यक्ष जी ने वो रिकॉर्ड से हटा भी दिया। अब देखिए आगे के साजिश किस प्रकार से ये करते हैं। मुलुंड में एक टीएपी प्रकल्प भी चल रहा है, जिसका मैं तीव्रता से विरोध कर रहा हूं। अब वर्षा गायकवाड़ जी ने 2 दिन पहले ट्वीट किया है कि मिहिर कोटेचा ये पीएपी और धारावी का विरोध इसके लिए कर रहे हैं कि उनको मुलुंड में न आने दिया जाए, उनको गोर गरीबों से एलर्जी है, डिस्क्रिमिनेशन करते हैं,
भेदभाव करते हैं, वह चाहते ही नहीं है कि गरीब वहां पे जाए, और भारतीय जनता पार्टी भी गरीबों के साथ भेदभाव करती है। अब मुझको एक बात बताइए, उनका अलायंस पार्टनर शिवसेना जो हम पे आरोप कर रहा है कि हम विरोध नहीं कर रहे, स्थानिक लोगों में एक ऐसा वातावरण निर्माण कर रहे हैं, और वहां के शिवसेना का मूड है कि विरोध होना चाहिए, बीजेपी का विधायक कर नहीं रहा है, और अब इनका एलाइट पार्टनर 2 दिन के बाद कहता है कि देखो ये विरोध कर रहा है क्योंकि इसको घोर गरीबों से एलर्जी है, इसको लगता है कि उसके एरिया का पीस एंड हार्मनी डिस्टर्ब हो जाएगा, जेंट्री डिस्टर्ब हो जाएगा, तो ये गरीब विरोधी है। मतलब इनका एक पार्टनर कहेगा विरोध करना चाहिए, दूसरा कहेगा गरीब विरोधी है। तो इस प्रकार से बहुत ही सोची समझी साजिश है, और मुलुंड की जनता को पता है कि मैं जो काम करता हूँ पूरी ईमानदारी से करता हूँ, मैं इनके जैसे सुपारियाँ नहीं लेता। और बहुत साफ बात है, ये जो बोलते हैं ना धारावी वाले, ये कितनी बार जाके उनके विकासक के साथ मीटिंग करके आए हैं, इसका जवाब वो दे। आपके यहाँ पे दो ऐसे मतलब आपके साथी हैं जिनका टिकट काट के आपको टिकट दिया गया, तो आपको लगता है कि मतलब उनके मन में कोई नाराजगी होगी या उनका पूरा साथ आपको मिलेगा? देखिए, मुझको जो पिछले 25 दिनों का अनुभव रहा है, मैं यह नहीं जानता आप किसकी बात कर रहे हैं, लेकिन मुझको जो मैं बता देता हूँ, किरीट सोमैया जी की बात कर रहा हूँ, जिनका मतलब काफी योगदान है महाराष्ट्र की सत्ता में बीजेपी की सरकार को वापस लाने में, और मैं दूसरा मनोज खोटर जी की बात कर रहा हूँ, उनका टिकट काट कर आपको टिकट दिया गया है। देखिए, किरीट भाई हमारे वरिष्ठ नेता हैं, किरीट भाई कभी भी पार्टी के निर्णय के साथ ही रहे हैं, मनोज भाई मेरे साथ ही रहे हैं। पिछले मेरे 25 दिनों का अनुभव, हर जगह पे मनोज भाई मेरे साथ चले हैं। पहले 1-2 दिन आदमी चलता है, ठीक है, आप समझ सकते हैं कि, लेकिन 25 दिन हो गए। कल भी हम मुलुंड की 2 सोसाइटी मीटिंग में 3 घंटा साथ में थे। किरीट भाई वरिष्ठ नेता है, उनके ऊपर बड़ी जवाबदारियां हैं, पर हमारे विभाग में जो हमारे सीनियर कार्यकर्ता हैं या नगर सेवक हैं, किरीट भाई उनके घर में जा रहे हैं, चाय नाश्ता कर रहे हैं, वहाँ का पूरा डिटेल ले रहे हैं, किस प्रकार से उस विभाग में हम लीड बढ़ा सकते हैं, यह काम किरीट भाई कर रहे हैं। तो एक बात की बहुत क्लैरिटी है कि मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है, मोदी जी के चुनाव में पूरी ताकत से एकजुटता से सभी को काम करना है, और इसमें किसी भी नेता या कार्यकर्ता के मन में कोई भी दो मत नहीं है, सब एकजुट होकर काम कर रहे हैं। विनय से अगला सवाल लेते हैं, विनय यादव जी से। मीर भाई, आपके क्षेत्र में जानते हैं डंपिंग ग्राउंड बड़ा मसला है, प्रदूषण बहुत बड़ा मसला है, इसके अलावा स्वास्थ्य की बड़ी सारी समस्याएं हैं वहाँ। ऐसा कोई ड्रीम प्रोजेक्ट आपने तैयार किया कि हम जीत कर आएंगे तो हमारा क्या, कैसे हम डेवलप करेंगे? देखिए, ड्रीम प्लान हो बिल्कुल है, ड्रीम प्लान आज ही काफी अखबारों में, शायद नवभारत में भी आया है। जब मैं विधायक था मुलुंड का, तो मेरे मन में था कि रोड्स, इंफ्रा, ये सब कॉमन है, ऐसा कुछ यूनिक एज अ विधायक मैं करूं जो आने वाली 5 पीढ़ियां याद रखे। तो मैंने एक जमीन आइडेंटिफाई की, 1.5 साल उस पर मेहनत की, और वहां पे महानगर पालिका द्वारा बर्ड पार्क, 110 साल पहले मुंबई में आपसे बिल्कुल करीब में, जिसको रानी का बाग हम कहते हैं, वह बना था, उसको करीबन 110 साल हो गए, और 110 साल के बाद दूसरा प्राणी संग्रहालय बनने जा रहा है जो मैं मुरुंड में करना चाहता था। अब उसके कंसल्टेंट का टेंडर भी निकल गया, अपॉइंटमेंट भी हो गया, अब वह पूरा जो डिजाइन है उस डिजाइन के आधार पर टेंडर ड्राफ्टिंग का काम शुरू हो गया है। आचार संहिता हटने के बाद उम्मीद है कि मिड जून में उसका टेंडर भी निकल जाएगा। तो यह बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, क्योंकि हमारे पूर्व उपनगर में
अब बस्ती भी बहुत बड़ी है हमारे इलाका में, करीबन 16 लाख तो वोटर हैं। तो आप बस्ती देखोगे तो भाई 22-23 लाख की बस्ती है, और कुछ भी जिसको हम पर्यटन कह सकें ऐसा कुछ भी नहीं है। संडे को आदमी कहाँ जाएगा, मॉल है, मॉल के अलावा कुछ है ही नहीं। तो यह बर्ड पार्क, ये पूर्वा उपनगर, पूरा MMR रीजन जो ऐरोली थाना है, इन सभी के लिए एक बहुत बड़ा टूरिस्ट अट्रैक्शन बनेगा। यह पहली उपलब्धि है जो मैं कह सकता हूं कि मैंने कुछ आइकॉनिक इनिशिएट किया। दूसरा, मुलुंड पूर्वा में एक स्पोर्ट्स के रिजर्वेशन वाला प्लॉट था, 1.5-2 साल मेहनत करके वह पूरा स्पोर्ट मिनिस्ट्री को मैंने दिलवाया। शासन का प्लॉट, शासन जब दूसरे विभाग को देता है तो उसमें भी बहुत लंबे लंबा चौड़ा प्रोसेस होता है, वो पूरा कंप्लीट करवा के दिलवाया। और वहाँ पे अभी मुलुंड पूर्व में पब्लिक स्विमिंग पूल, इंडोर बैडमिंटन कोर्ट, स्क्वॉश, टेबल टेनिस, आर्चरी, फुटबॉल, ये पूरा मैंने प्रपोज किया है। अब स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री को मिल गया है, आचार संहिता लग गई। अब आचार संहिता हटने के बाद उसको भी टेंडर के स्टेज तक लेके जाए BOT के माध्यम से। तो मुलुंड पूर्व में बहुत लंबी सी पेंडिंग डिमांड थी कि क्लब होना चाहिए, स्विमिंग पूल होना चाहिए, सब कुछ भी नहीं है। तीसरा जो मैं आइकॉनिक कह सकता हूँ, तो हमारे मुलुंड पश्चिम में एक बहुत बड़ा पहाड़ है। हम जब कॉलेज में थे तो वह पहाड़ टॉप तक चढ़ के जाते थे। वहाँ से जो दृश्य है वो पूरा संजय गांधी फॉरेस्ट का बहुत ही सुंदर दृश्य, और तुलसी लेक का दृश्य है। चूंकि कॉलेज के समय पे मैं ट्रैकिंग करके जाता था तो मुझको ज्ञात था और दिमाग में था, तो मैंने एक प्रपोजल दिया पर्यटन और वन विभाग को, क्योंकि वो वन विभाग का क्षेत्र होता है, कि केबल कार से हम एक वहाँ पे ऊपर एक ऑब्जर्वेशन डेस्क बनाए, जिससे इतना सुंदर दृश्य और इतना घना हरा जंगल मुंबई में है ये लोगों को पता ही नहीं है, और तुलसी लेक इतना सुंदर दिखता है ऊपर से ये लोगों को ही पता नहीं है। तो हम बाहर क्यों जा रहे हैं, केबल कार से ऊपर जाएंगे तो हमारे उधर इतनी ऑब्जर्वेशन डेस्क भी मैंने इनिशिएट किया है, आधा उसका प्रोसीजर खत्म हो गया है। तुम्ही विधानसभा आतापर्यंत लढवत होते, हे तुमच्याकडे म्हणजे तो अनुभव आहे आणि हो। लोकसभा म्हटल्यानंतर खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये क्षेत्र मोठं होतं, म्हणजे जवळपास तुम्हाला 6 मतदारसंघ तुम्हाला बघायचे, तर त्या ठिकाणी तुम्ही कशा पद्धतीने कॉन्टॅक्ट म्हणजे तुमचं सुरू आहे, तिथून तुम्हाला काय काय सहकार्य कशा पद्धतीने येत? नाही हे बघा, याला जोडूनच एक प्रश्न असा आहे की तुम्ही विकासाचं बोलत होता, म्हणजे मी आता ऐकलं पांडेजींनी विचारलं तुम्हाला आणि याच्यामध्ये राम मंदिर हा मुद्दा तुम्ही हेतुपुरस्सर बाजूला ठेवला आहे की तो विसरले तुम्ही सांगा? नाही, मी तुमच्या शेवटच्या प्रश्नाचं उत्तर आधी देतो। राम मंदिर हे आमची आस्था आहे, हे निवडणुकीचा मुद्दा कधीच नाही किंवा नव्हता। त्याचं कारण असं की मी पक्षाचं काम जवळपास 31 वर्षापासून करतोय, प्रत्येक निवडणुकीत आमचा एक नारा होता, कसम राम की खाते मंदिर वही बनाएंगे। ते निवडणुकीसाठी नव्हता, ह्या दोन ओळीने आम्ही चार्जदप व्हायचो। 1988 मध्ये माझे वडील स्वर्गीय चंद्रकांत कोटेचा हे विश्व हिंदू परिषदचे अध्यक्ष होते मुलुंड विभागाचे। मला आठवण आहे, 15 वर्षाच्या वयात मी माझ्या विभागामध्ये जेवढी चाळी आणि बिल्डिंगा होती त्या सर्वांमध्ये ती शिला जाऊन देऊन आलो होतो। 7 दिवसानंतर ती शिला पूजन केल्यानंतर ती शिला घ्यायला गेलो होतो। तर हे आस्थाचा विषय, आणि प्रभू श्रीराम हे सर्व हिंदूंचे देवता आहेत, आणि 500 वर्षाचा संघर्ष नंतर आपण जो स्वप्न पाहिलं होतं ते पूर्ण झालेलं आहे, तो निवडणुकीचा मुद्दा होऊ शकत नाही। आता लोकसभाचा व्याप मोठा आहे, हो मोठा आहे, मी स्वतः 2 निवडणूक लढालो आहे, पण इलेक्शन स्ट्रॅटेजीज प्लॅनिंग हे माझं वैशिष्ट्य राहिलेलं आहे। दयाशंकरजींना माहिती आहे, ज्यावेळी पूनम महाजनशी जर पहिलं आम्ही निवडणूक लढवलं, किंवा त्याच्या आधी ईशान्य मुंबईमध्ये किरीट सुमाजींचं लढवलं, त्यावेळी मी भारतीय जनता युवा मोर्चाचा मुंबईचा अध्यक्ष होतो। जिल्ह्यामध्ये राजकारण मी 20 वर्षापासून त्या जिल्ह्याच्या राजकारणामध्ये खूप सक्रियतेने इन्वॉल्व्ह आहे, तर माझ्यासाठी तो प्रॉब्लेमच नाही आहे। मला जिल्हा पूर्ण
स्टार्ट टू एंड प्रत्येक गली कोपरा सर्व काय माहिती आहे, कुठे काय वस्त्या आहे, काय भाषा चालते, कोणते गावातले लोक आहे, त्या आसपासून ना बरेच वर्षापासून मला माहिती आहे. जसं मी सांगितलं पण मी कॉम्प्लेस मी ओव्हर कॉन्फिडेंट नाही आहे. मी आला खूप मोठी संधी, माझा नेतृत्वाने माझ्यामध्ये दाखवलेला विश्वास आणि त्या जबाबदारीला पूर्ण इमानदारीने पार पाडणं हेच लक्ष घेऊन चाललो. मी हे सांगू शकतो जे मला पर्सनली वाटते की ज्यावेळी एखादी वेळेस तुम्हाला एक मोठी जबाबदारी भेटते तर तुम्ही अनालिसिस करतात की काय कारण असू शकतो, असं मी काय केलंय जेणेकरून माझं माझ्या नेतृत्वाला माझ्यावरती एवढा विश्वास वाढला. माझा पर्सनल अनालिसिस आहे की पहिल्या 2.5 वर्षात ज्यावेळी उबाठा यांनी CM पदची कुर्सीचा लालसापोटी देवेंद्रजींना दगा दिला तो काळात यांनी केलेले महानगरपालिकेमध्ये जेवढे भ्रष्टाचार होते, कोविड काळ होता आणि मुंबईकरांची लूट चालू होती आणि मी एक नंतर एक जवळपास मला वाटते 15 पेक्षा जास्त प्रेस कॉन्फरन्स मी 2 वर्षात घेतली. भ्रष्टाचार घोटाळे उघडकीस आणले, पुरावे दिले आणि ते फक्त आरोप नव्हते, जवळपास 2200 कोटी रुपयांचे वेगवेगळी निविदा प्रसिद्ध केल्यानंतर महानगरपालिकेला ती रद्द करावी लागली. तर कुठे नाही तर कुठे बघा, राजकारणात तुम्ही आरोप करतात पण लॉजिकल कन्क्लुजन पर्यंत तुम्ही त्या सब्जेक्टला नेलं आणि जर ते टेंडर कॅन्सल झाला तर मग नेत्याचाही कॉन्फिडन्स वाढतो की एक तर हे लॉजिकल एंड पर्यंत त्या मुद्द्याला नेतो, सेकंड एवढे घोटाळे पुरावे सकट काढणं त्यांचा सोबत लढणं तो वातावरण कसं होतं तुम्हाला माहिती आहे, दबाव तंत्र पोलिसाचा वापर प्रत्येक 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 प्रजेंड त्यांनी केला होता. पण एक निर्भय कार्यकर्ता म्हणून कशा प्रकारे यांनी हे लढाई लढली मला वाटते कुठे नाही तर कुठे त्याचा एक नाही हे मी स्वतः केलंय. नाही किरीट भाई ज्येष्ठ नेते, ते काय बोलतायत, मी जे काढला ते माझ्या स्तरावरती माझा अनुभव प्रमाणे माझ्या संपर्कातले जे लोक होते आणि ज्यावेळी लक्षात यायचं की हे घडतंय तर स्वतः काढला आणि ते एक्सपोजही केलं. तारीख खान सवाल पूछेंगे. नमस्ते तारीख जी. सर मोदी जी का नारा है सबका साथ सबका विकास, शिवाजी नगर मालपुर विधानसभा से मैं आता हूँ, वहाँ का कहना है कि पिछले 10 साल से भाजपा के खासदार हैं किरीट जी और पुरक जी, लेकिन अभी तक उन लोगों ने उस एरिए के लिए कुछ भी नहीं किया है, जबकि वहाँ पर उत्तर भारतीय हिंदू समाज भी रहते हैं मुस्लिम के अलावा, उस पर आपका क्या कहना है? देखिए मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ क्योंकि मोदी जी जब कहते हैं सबका साथ सबका विकास तो मेरा एक सिंपल सादा प्रश्न है तारिक जी, देश में 80 करोड़ गरीबों को फ्री में राशन आज तक मिल रहा है, क्या मानखुर्द में नहीं मिल रहा है? क्या मिल रहा है, रिकॉर्ड है मेरे पास, 30,000 परिवारों को मिल रहा है, 30,000 फैमिलीज. आयुष्मान योजना आप डेटा देख लीजिए, करीब करीब 30,000 फैमिलीज इसमें रजिस्टर्ड हैं, उसमें से 22,000 फैमिली जहाँ तक मेरी जानकारी उनका आयुष्मान कार्ड उनकी जेब में है. तो क्या मोदी जी का विकास का यह कार्य वहाँ नहीं पहुँचा क्या? क्या आयुष्मान कार्ड प्रिंट करने वाला कंप्यूटर यह भेदभाव करता है क्या कि हिंदू है तो कार्ड निकलेगा, माइनॉरिटी है तो नहीं निकलेगा? ये सबके लिए है. तो यह कहना कि यह नहीं हुआ है गलत है क्योंकि डेटा बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, आंकड़े बोल रहे हैं.
कोविड काल में जो वैक्सीन दी गई, क्या उसमें कोई भेदभाव किया गया है? क्या सबके लिए थी? तो अब सांसद किरीट भाई हो कि मनोज भाई हो, आप एक आरटीआई डाल के निकालो तो सही, एमपी लैड फंड कितने बड़े मात्रा में वहां पे यूज हुआ है, जो यूज हुआ है वो तो सरकारी आंकड़े बताएंगे ना, और बड़ी मात्रा में यूज हुआ है, ऐसा नहीं है नहीं हुआ है। हाँ, होता यह है कि क्षेत्र बहुत बड़ा है, आप जितना करो, और मानपुर शिवाजी नगर में स्लम एरिया बहुत ज्यादा है तो रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा होती है, तो आपने जितना किया, आप 2009 से 14 का आंकड़ा निकालो और 2014 से 24 का आंकड़ा निकालो, मैं आपको कोरे कागज पे लिख के देता हूं कि तब के विद्यमान खासदार और आज मेरे सामने जो खड़े हैं उनसे 10 गुना काम किरीट भाई और मनोज भाई ने किया है, 10 गुना काम। और यह आप रिपोर्ट निकाल के देख लीजिए, मेरा सीधा सीधा प्रश्न है कि जो व्यक्ति मेरे सामने खड़े हैं उसने लोकसभा में आज तक एक विषय भी उत्तर पूर्व मतदार संघ का रखा हो तो आप मुझको बताइए। और सामने आप मेरा ले लीजिए, 4.5 साल के कार्यकाल में 22 महीने कोविड में गए, तब हमारी विधानसभा चली नहीं रही थी, लेकिन विधानसभा सत्र में मैंने मुंबई के कितने विषय रखे हैं, कितना लॉजिकली विषय रखा है, मुंबई करो की समस्या पे चर्चा की है। तो मेरे जो प्रतिद्वंदी हैं वो 5 साल विधायक भी थे, 5 साल सांसद भी थे, 10 साल में उन्होंने मैंने जो विषय रखे हैं उसके आधे भी नहीं रखे, एक विषय नहीं रखा है। तो जब हम कंपेयर करते हैं तो कंपैरिजन आप डेटा के आधार पे करिए, तो यह कहना एकदम गलत होगा नहीं हुआ है। मैं कहता हूं कि 2009 से 14 में जो काम हुआ है उससे 10 गुना काम इस विभाग में भी हुआ है, और यह आंकड़े और कागज बताएंगे। अगला सवाल दया जी से, मालिक प्रश्न है, एक मीटिंग मराठी मुंबई से जात संबंध जो है गोवंडी चंदू रिजर्वेशन शूट करा जातो, पाण्याचा त्यांचा खूप मोठा प्रॉब्लेम पाण्याची, हो लोक लाईन चा लाईन लावतात 2.5 किलोमीटर लाईन, त्यांनी नेहमी आम्ही दरवर्षी बोलू शकतो, आपण याच्या विषयी काय करू शकतो? हे बघा, मी विधायक असताना आमदार असताना माझा मतदारक्षेत्रामध्ये पण पाण्याची टंचाईचा प्रॉब्लेम होता। आता मी अभिमानाने सांगतो की महानगरपालिकाकडनं जो खिंडीपाडापासून हनुमानपाड्याचा जो माझा डोंगराळ पट्टा आहे माझा मतदारसंघातला, जवळपास 10,000 परिवार तिकडे राहतात। आता मी त्याचा पाठपुरावा करून 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 नवीन पाण्याची लाईन मंजूर करून घेतली, आणि योगाने 11 मार्चला म्हणजे माझी उमेदवारी जाहीर झाली त्याच्या 2 दिवस आधीच त्याचं मी तिकडे भूमिपूजनही केलं। आता 1.5 वर्ष ते काम संपायला लागणार, पण ते काम एकदा संपलं की पूर्ण प्रॉब्लेम सॉल्व होणार। तुमचा प्रश्नाचं उत्तर एवढंच आहे की जनतेने जर माझी क्षमता आणि मुरुडमध्ये केलेले कामाचा इतिहास बघून जर त्यांचा खासदार म्हणून संधी दिली तर माझा कामाचा जो स्वभाव आहे, एकदा मी विषय उचलतो तर त्याचा पाठपुरावा करून फॉलोअप करून तो विषय मी मार्गी लावतो, हे मी सांगत नाही, 4.5 वर्षाचा इतिहास। आयुष्मान भारत मोदींनी किया, गोवंडी मानपुर में सबसे बड़ा मसला है देवानगरी ग्राउंड एसएमएस कंपनी, जिसकी वजह से वहाँ पे टीबी और कैंसर के बहुत बड़े मतलब मरीज संख्या बढ़ रही है, तो एक भी हॉस्पिटल नहीं है। तो एमपी काम सिर्फ राष्ट्रीय का मुक्त ये बनाना और आयुष्मान भारत का है, या डंपिंग का काम एसएमएस का, या हॉस्पिटल बनाना है, वहाँ पे कुछ है? देखिए, आपको एक बात समझना है, पेट में जब अन्न जाएगा तभी आप बाकी सब बातें कर पाएंगे। तो सबसे महत्वपूर्ण काम तो पेट, भूखे के पेट में अन्न डालना है। अब आते हैं एसएमएस और डंपिंग ग्राउंड पे, तो डंपिंग ग्राउंड और एसएमएस ये दोनों किसके कार्यकाल में हुआ? ये महानगर पालिका के प्रोजेक्ट है, एसएमएस का मतलब बीजेपी के एक नेता का है सर, ऐसा आप कहते हैं, मैं नहीं मानता हूँ। और मैं आपको दूसरी बात बताता हूँ कि ये किसके मान्यता से हुआ। मानपुर शिवाजी नगर में भारतीय जनता पार्टी का एक भी नगर सेवक चुन के नहीं आया है, मान्यता किसने दी? महानगर पालिका में कौन थे, स्थानिक नेता कौन से पक्ष के थे, उन्होंने क्या किया? कुछ नहीं किया। खाली बीजेपी पे आरोप डालना है, ये बिल्कुल गलत बात है।
में विक्रोली में भी यही मुद्दा है, डंपिंग ग्राउंड विक्रोली में भी है। तो विक्रोली में ये जो डंपिंग ग्राउंड है इसकी मान्यता किसने दी? दत्ता दड़वी जब महापौर थे, आप तो ज्येष्ठ पत्रकार हैं, रिकॉर्ड निकालिए, दत्ता दड़वी ने मान्यता दी है और आज आप सवाल हमसे करते हैं, उनसे क्यों नहीं किया जाता कोई सवाल? मेरा प्रश्न बहुत साफ है, जब मेरा चुनाव आता है तो मेरे 4.5 वर्षों के कार्यकाल की कोई बात नहीं कर रहा है, काम की कोई बात नहीं कर रहा है, मुंबई के उठाए हुए प्रश्नों की बात नहीं कर रहा है। मुद्दा क्या है पता है? मुंबई उत्तर पूर्व मतदार संघ में मेरे प्रतिद्वंदी यह मुद्दा चला रहे हैं कि इसकी भाषा क्या है, यह गुजराती है पर जितना वो मराठी बोलते हैं उतनी मराठी मैं भी बोलता हूँ, जितना वो मराठी लिख सकते हैं उतनी मराठी मैं भी लिखता हूँ, जितना वो मराठी पढ़ सकते हैं उतनी मराठी मैं भी पढ़ सकता हूँ, जितना मराठी वो सोचते हैं उतना मराठी मैं भी सोचता हूँ, मैं मुंबई में पैदा हुआ हूँ, मैं मुंबई का हूँ। तो यह जो बात है ना, आपके प्रतिद्वंदी बात भाषा की कर रहे हैं, किस दुनिया में है हम, काम की बात ही नहीं कर रहे। और ये मान्यता सब किसने दी है? उनके नेताओं ने दी है। तो प्रश्न हमसे क्यों पूछ रहे हो? हमको चुनाव, आज मैं सांसद बनूंगा तो क्या मैं महानगर पालिका के हाउस में जाके बैठूंगा कि दिल्ली में जाके बैठूंगा? तो जब हम कॉरपोरेटर चुनते हैं तो क्यों समाजवादी शिवसेना के कॉरपोरेटर चुनते हैं और उन कॉरपोरेटरों ने इसको हटाने के लिए क्या किया? क्योंकि सभागृह महानगर पालिका में तो वो लोग जाते हैं, मैं तो नहीं जाता हूँ। सर आपके लोकसभा क्षेत्र में स्लम एरिया बहुत और 94 मेरे ख्याल से 94-95 में शिवशाही योजना के तहत ये सारे स्कीम आए। आज सबसे ज्यादा मुंबई में आपके ईशान मुंबई में स्लम रिलेटेड समस्या है कि झोपड़े टूट गए हैं, करीब 50 ऐसे प्रोजेक्ट है 15-15 साल से टूटे हुए हैं, पड़े हुए लोग भाड़े पे रह रहे हैं, घर चले गए, उनके लिए क्या आप चुन के आएंगे या जो लोकसभा में या विधानसभा में या हाउस में कुछ ऐसा मैटर उठाएंगे कि उनको रिहेब किया जाए, उनके घर बनाया जाए, पुराने घर उनके मिल जाए? क्योंकि सर जब स्कीम लाई गई थी तो आपकी गवर्नमेंट थी। सबसे पहली बात, आप जो मुझको पूछ रहे हैं कि मैं उठाऊंगा क्या, तो दया जी विधानसभा में ये मुद्दे मैं उठा चुका हूँ, इस पर मेरे भाषण आप निकाल के सुनिए। जितना स्लम में मैंने स्टडी किया है ना, एक विधायक दिखाइए जितना इतना डिटेल में चर्चा की है विधानसभा में, क्योंकि मैंने स्लम में लोग कैसे रहते हैं देखा है। वहाँ पे महिलाएं रात को टॉयलेट जाना अवॉइड करती हैं, क्योंकि जो समाज कंटक होते हैं वो कड़ियाँ निकाल देते हैं, इस सब का मैं साक्षी हूँ। तो मैंने एक बार नहीं, दो बार नहीं, 4-4 बार ये मुद्दा उठाया है। मेरे विभाग में जो भी अटके हुए प्रकल्प हैं, देखिए कोई भी प्रकल्प अटक गया तो एक होता है आरोप करना, एक होता है सॉल्यूशन देना। मैं मानता हूँ नेता वह है जो सॉल्यूशन देता है। मैं आपको अभिमान से कह सकता हूँ कि अभी तक मैं 2 प्रकल्प मुलुंड में बिठा के प्रॉब्लम सॉल्व करके सॉल्यूशन दे करके अब वह प्रकल्प खत्म होने जा रहे हैं। तो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है ऐसा मैं मानता हूँ। कि आरोप तो करना बहुत इजी है, पर प्रॉब्लम को समझना, उसको सॉल्व करना और फाइनली वहाँ पे रहने वाले झोपड़ी धारकों को उनका घर दिलाना, यह बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मैंने SRA में भी काफ़ी मीटिंगें लगाई कि प्रॉब्लम क्या है सॉल्व करो, कभी अधिकारियों का प्रॉब्लम होता है। हमको यह भी समझना पड़ेगा कि कोई भी बैंक SRA को पैसा नहीं देती। आज आप एक लग्जरी प्रोजेक्ट ले लो तो बैंक बराबर फंड करती है, क्यों जिसमें गरीबों की भलाई होने वाली है उस प्रकल्प को बैंक फंडिंग नहीं करती? 50 उसमें टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं। अगर मैं सांसद बना तो दिल्ली में यह विषय दिल्ली का होगा, मैं निश्चित ही दिल्ली में इसके लिए काम करूंगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सबसे बड़ा एजेंडा है मुंबई को स्लम फ्री करना। और अगर मुंबई को स्लम फ्री करना है तो बैंकों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी इसमें है। और जब बैंकों से प्रकल्प को लोन मिलेगा तो आप देखना 3 और 4 साल में ये प्रकल्प पूरे होंगे। सर मुंबई में बहुत सारे मेट्रो के प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं,
और सबसे महत्वपूर्ण जो मेट्रो की लाइन है वो आपके कॉन्स्टिट्यूएंसी से होकर गुजरती है मेट्रो 4। फिर लेकिन पॉइंट ये है कि उसका काम बहुत धीरे चल रहा है, लेकिन गोलगप्पे का अगर आप ट्रैफिक देखते हैं तो बहुत बड़ी समस्या है, तो आपके आने के बाद क्या उस काम में तेजी आएगी? प्रिया जी, ट्रैफिक की समस्या कितनी है उसका एक छोटा सा उदाहरण मैं देना चाहूँगा। दया शंकर पांडे जी उसके विटनेस हैं। मैं मुलुंड से भी ट्रेन में आया। ट्रेन में क्यों आया? क्योंकि मैं 35-40 मिनट में यहाँ पहुँच सकता हूँ। अगर मैं गाड़ी से आता तो कम से कम 1.5 घंटा लगता, और चुनाव का समय है तो समय बचाना ये हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है। मेट्रो का काम स्लो डाउन था, अब तेज़ी पकड़ ली है। 2.5 साल इस पूरे लाइन का काम बंद था। क्यों बंद था? कुछ छोटे कारणों देके ये सब काम बंद कर दिए गए थे। फिर जब टाइम बढ़ता है तो एक कैलकुलेशन के हिसाब से टेंडर का कंडीशन होता है, प्रोजेक्ट कॉस्ट बढ़ता है, तब आप जाके दबा के किकबैक मांगते हो। तो तब जो सत्ताधारी थे उन्होंने प्योरली किकबैक के लिए पूरे मुंबई के सभी मेट्रो के काम करीबन 24 महीने बंद कर दिए, और उसका भुगतान मुंबई कर दे रहा है। आज की बात करें तो जो स्पीड से काम होना चाहिए था उस स्पीड से अभी काम चल रहा है। आप प्रश्न में 6 विधानसभा है, तो 6 विधानसभा के आप पर पर्सनल क्या काम करेंगे विकास? नहीं, मेरी 6 विधानसभा है तो जाहिर सी बात है सब जगह पे इक्वली काम होना चाहिए। पर वह क्षेत्र जहाँ पे स्लम्स ज्यादा है, जहाँ पे मेरे काम करने से लोगों के जीवन में एक बदलाव जल्द आ सकता है, वह मेरा प्राधान्य होगा। हमारे क्षेत्र से बहुत बड़ी मात्रा में लोग कोकण जाते हैं, क्योंकि हमारे भांडुप, विक्रोली, मुलुंड पूर्व, यहाँ पे बहुत बड़ी कोकणी बस्ती है। और मुलुंड और नाहूर के बीच में रेलवे का ऑलरेडी एक गोडाउन है। मेरा विजन ये है कि वहां पे कुर्ला टर्मिनस की तरह मुलुंड टर्मिनस बनाया जाए, और उत्तर प्रदेश एवं कोकण, क्योंकि मुलुंड भांडुप विक्रोली घाटकोपर वालों के लिए कुर्ला टर्मिनस है, लेकिन मुलुंड भांडुप विक्रोली के लिए अगर मुलुंड टर्मिनस बनता है, और कच्छ एक्सप्रेस हो गया, कोकण एक्सप्रेस हो गया, और उत्तर प्रदेश के लिए ट्रेन जाती है, तो करीबन 16-17 लाख लोगों के जीवन में एक बड़ी सुविधा हो जाएगी। और आज जो हर साल अपने गांव में जाते हैं वो वहां से अगर गए तो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, और इस पे मैं अगर सांसद बना तो पूरी जोर से काम करने वाला हूँ। भाई एक लास्ट क्वेश्चन है, ये आपके भी, आपसे भी जुड़ा हुआ है, हमसे भी जुड़ा है। हम जब फ्री वे से जाते हैं तो वो फ्री वे जो है घाटकोपर रमाबाई के सामने जाकर के मिलना था, इसमें मेरे को याद है। हाँ, बराबर है, वो आधा छोड़ भी दिया उन्होंने। मेरे को जब प्रकाश भाई, प्रकाश जावड़ेकर जी जब उसके पर्यावरण मंत्री बने थे, एक बार मुंबई आए थे तो मैंने उनसे जिक्र भी किया था, क्योंकि वो लोग बोलते हैं कि वो तो मैंग्रोव का कुछ एनओसी नहीं मिला। पिछले 10 साल भी बीत गए, वो प्रोजेक्ट 1 इंच आगे नहीं बढ़ा। क्या मतलब, मैं प्रश्न तो है ही है, लेकिन वो कहाँ रुका हुआ है, उसके लिए क्या किया जा सकता है कि वो फ्री वहाँ जा सके? क्या किया जा सकता है? मैं अगर फिर से एक बात कहता हूँ, मैं कभी भी ओवर कॉन्फिडेंस नहीं दिखाता हूँ, इसके लिए यह लाइन बार बार कहता हूँ कि अगर मैं सांसद बन गया तो मेरे लिए वो प्राधान्य इसके लिए भी है क्योंकि मेरी भी रोज की यातायात का वो रास्ता है। आज छेड़ा नगर तो आप घाटकोपर तो पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां से मानपुर से जो नीचे उतर के अब जो नया ब्रिज बना है छेड़ा नगर पे, तो राहत मिल गई है। लेकिन यही अगर हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो हाईवे देखते हैं कि उसकी एक ब्रांच विक्रोली में आ रही है, एक ब्रांच भांडुप में आ रही है, एक ब्रांच मुरुंड में आ रही है, तो यातायात में कम से कम 20 मिनट का फर्क पड़ जाएगा। तो नंबर एक, क्या वजह से अटका है? अगर एनवायरनमेंट क्लियरेंस है तो उसका फॉलोअप करके करवाना, एनवायरनमेंट क्लियरेंस के बाद उसका बजट सैंक्शन करवाना, और फिर उसका काम खत्म करवाना। मैं उम्मीद करते हैं कि 2029 में जब लोकसभा का चुनाव होगा उसके पहले वो ब्रिज वहाँ बिल्कुल जाएगा। बिल्कुल, आप सांसद भी बनेंगे और वो ब्रिज भी बनेंगे। में आप जो आपका लोकसभा क्षेत्र है उनके जो आपके मतदाता है उनके नाम कोई संदेश हुआ आपकी तरफ से, तो आप? मैं सभी से इतना ही कहना चाहूंगा
कि मैंने मेरे पूरे जीवन में जो भी कार्य किया है पूरी निष्ठा ईमानदारी से किया है। मैं सभी मतदाताओं से इतना ही निवेदन करना चाहूँगा कि इस राष्ट्र कार्य में, राष्ट्र निर्माण कार्य में मोदी जी को हमको ताकत देनी है, मोदी जी को और मजबूत करना है, और आप मुझको एक दिन 20 मई का दीजिए, मैं आपको पूरे 5 साल पूरी ईमानदारी से दूंगा। धन्यवाद।